Awesome. मतलब हमारे क्लॉक आईजी को हम बाईपास कर सकते हैं। हेलो, इस चीज को समझ में आए पॉइंट? यस सर। अभी आईसी आएगी तो एक बार में बाईपास होगी कि नहीं होगी? मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल, मैं इस टेलीकॉम से। देखो, मेरे पास आज एक मोबाइल है सैमसंग का M305। ये एक टेक्नीशियन से पत्र खोलते समय एक आईसी ब्रेक हुई है, साफ साफ दिखा है, उसमें ये डेड हुआ है। हम ये आईसी पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आईसी क्या काम करती है, इस आईसी को कैसे बना सकते हैं, या इस आईसी को बाद भी क्या कोई और प्रॉब्लम है या नहीं है, या इस आईसी से ही क्यों डेड हुआ, और थोड़ा देखें। पहले हम इसको सबसे पहले आई डायग्नोस करेंगे कि क्या हमारे पास यही आईसी डेड है या इसके अलावा और भी कई जगह पर वो गया है, तो हम इसको फुल तरीके से, फिर हम इसको डीसी रीडिंग पे लेंगे। डीसी रीडिंग पे लेने से हमारे को बहुत कुछ पता चलेगा, ये पंखा बंद कर। डीसी रीडिंग पर लेने से हमारे को बहुत कुछ पता चलेगा। डीसी रीडिंग पर जैसे कि हम लेंगे, और अगर हमें इस पर, जैसे कि मैंने कल बताया आपको पिछले वीडियो में, या मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि अगर हम 40 मिली एम्पियर ऊपर जाए पावर को ओके मानते हैं, किसको हम ये भी पता करेंगे कि क्या हमारा कितना एम्पियर ये ले रहा है, क्योंकि हमें पता चलेगा नेक्स्ट टाइम कि अभी तो ये टूटी दिखाई दे रही है, कल को ये खराब भी हो सकती है, वाटर डैमेज में भी हो सकती है। अगर कल को ये हुई तो हमें वो एम्पियर भी पता होगा कि ये सेम एम्पियर में हमें यही आईसी चेक करनी होगी। हेलो, यस सर। अब क्या है क्या नहीं है थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी देखते हैं, ये देखो, ये हमारा सैमसंग का बोर्ड है, पावर की का कनेक्टर भी यहाँ पर थोड़ा ब्रेक है ही है, और यहाँ पर हम देखेंगे ये आईसी हमारी जो यहाँ पर ये टूटी हुई है, साफ साफ दिखाई दे रही है, और इसके अंदर का पैड वैड भी एक निकला हुआ है, ये यहाँ पे काला पड़ गया, ठीक है। और ये नेटवर्क सेक्शन है जिसके अंदर ये इसका RFIC है, रेडियो फ्रिक्वेंसी को ट्रांसरिसीवर कहते हैं, ये UFS लगा हुआ है, UFS यहाँ पे K फॉर सैमसंग है, और L मतलब विदाउट रैम, और M तो ये UFS लगा हुआ है, और ये सैमसंग की खुद की पावर ऐसी है, इसलिए इसको S से दिखाते हैं हमेशा, S सैमसंग की पावर ऐसी S से चालू होती है, कॉलकम की पावर ऐसी P से चालू होती है, और MediaTek की पावर ऐसी M से चालू होती है, ठीक है, और SPD की पावर ऐसी भी SC से चालू होती है। किससे चालू होती है? SC। इसमें SC कभी नहीं होगा, इसमें S होगा, उसके बाद डायरेक्ट नंबर होगा, तो इसमें S5 है, ठीक है। तो पहले तो हम PCB को पूरा खोल लेते हैं, और DC मशीन को खोलो। देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ तो हमें सब कुछ ठीक ही दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा खराब नहीं है। यहाँ पर पीछे साइड देखेंगे तो सारे पतरे लगे हुए हैं, क्योंकि तो पीछे साइड काम हुआ ही नहीं है, बिल्कुल फ्रेश ही बोर्ड है इस तरीके से, ठीक है। अभी बोर्ड को थोड़ा सा सीधा करके देखेंगे कि बोर्ड बैंड तो नहीं है, जनरली अगर क्योंकि बोर्ड बैंड होगा तो इसको रिपेयर करना थोड़ा सा दिक्कत है, और इस पर फिर स्वैपिंग ही करनी पड़ेगी। बैंड बोर्ड को बनाना बेखूबी का काम है, सीधा उठाओ CPU UMC CPU UFS और रैम, और उसको स्वैप करो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर चालू भी कर दिया तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाएगा, डिस्प्ले का आ जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि बैंड बोर्ड मिड लेयर को डिस्टर्ब करता है, तो बोर्ड बैंड नहीं है। और सैमसंग में सबसे खास बात एक ये देखना होती है, जो इसकी पतली लेयर्स है ये कहीं टूटी तो नहीं है, क्योंकि जनरली लोग खुलते समय इस लेयर को पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, और ये लेयर ही टूट लेते हैं, तो ये लेयर्स हो गई यहाँ से, ठीक है, जहाँ जहाँ से ये लेयर्स जा रही है वो लेयर तो ब्रेक नहीं है, ये करके वाटर डैमेज के निशान देखने हैं, तो वाटर डैमेज के निशान आपको अलग तरीके से दिखाई देंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि फोन एक वाटर डैमेज भी है, क्योंकि वाटर डैमेज में इस तरह से वाइट धब्बा, एक इसको हम रस्टिंग कहते हैं, ये भी निशान होते हैं, पर क्योंकि ये किसी टेक्नीशियन से ऑलरेडी आया है तो इसको ये धुला मतलब धोया होगा, इसने थिनर से साफ किया होगा, क्लीन किया होगा, ब्रशिंग मारी। अपने जीवन का लक्ष्य बना लो अच्छा काम करना है, अपने जीवन का लक्ष्य बना लो कि यार सही जगह जाना है, अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। आईफोन चलाते हो ना, बड़ा महंगा मोबाइल, वीवो का भी मोबाइल है तो भी 50-60 हजार का, तो फिर इंस्टीट्यूट क्यों 10-20 हजार का, एजुकेशन क्यों इतनी लो होगी, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब पहली कंडीशन में तो ये टेक्नीशियन के बाद ऑन ही था, पर पत्रा निकालने के बाद ये डेड आया, तो देखा जाए तो ये आईसी टूटी हुई है। तो सबसे पहले अपन इसका देखते हैं कि रीडिंग क्या आ रही है और किधर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे क्या ये कितना एम्पीयर ले रहा है, चार्जिंग में देखेंगे अपन, नोटिस करो ऊपर
इधर, ये आपकी, इसको हम यूएसबी एम्पियर टेस्टर कहते हैं, ये आपको अगर चार्जर में लगाकर एक एम्पियर पे ले जाएगी तो ये हमें लगेगा कि फोन ऑन कंडीशन में है, क्योंकि एक एम्पियर पे तभी आता है जब बूट हो रहा है। अगर ये हमें 60 पे लेके जाएगी, अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये मेरा पूरा ज्ञान नहीं है, अपन पूरा ज्ञान क्लास में करेंगे। तो अगर 60 पे ले, जैसे ये 60 है, अगर ये 60 हाफ, एक एम्पियर का हाफ ले जाती है, तो हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि हमारे फोन के अंदर, जरा देखो उधर, हमारे फोन के अंदर यूएसबी ओके है, बीबस ओके है, चार्जिंग आईसी ओके है, बिल्कुल काम नहीं करना, पावर आईसी चेक कर लो, पावर आईसी ओके है, बट 60 की रीडिंग हमेशा होती है यूएफएस, ईएमएमसी और रैम और सीपीयू, मतलब हमें इन बड़ी बड़ी आईसीओ पे काम करना है। और अगर ये हमें 10 पर ले जाएगी, 10.10, तो हम ये भी कहेंगे कि सीपीयू ओके है, और अगर हमें 0.20 पर ले जाएगी तो हम ये भी कहेंगे कि यहाँ रैम ओके है बस, बट अभी यूएसबी ओके नहीं है, हो सकता पावर ओके ना हो, बहुत सारी चीजें हैं, आवाज को समझे। सबसे पहले हम इसको बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाते पहले बैटरी के वोल्टेज देखते हैं, क्योंकि एक एम्पियर में आना तभी पॉसिबल है जब बैटरी फुल चार्ज हो या 3.7 तो एटलीस्ट हो, क्योंकि अगर बैटरी 3.7 भी नहीं होगी ना तो भी नहीं आएगा, तो भी 0.6, 0.8 इस तरह से जाएगा। तो फिलहाल बैटरी के वोल्टेज चेक करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये फोन ऐसा डेड नहीं हुआ कि कस्टमर क्या डेड आया, अगर ऐसा होता तो हम कैपेसिटर चेक करते शुरुआत में, शॉर्टिंग चेक करते, पर क्योंकि ऐसा डेड नहीं हुआ है, यहाँ पर हमें बैटरी के वोल्टेज चेक करने हैं, तो 3.8 वोल्टेज है, ठीक है, ये हमारी बैटरी का एक तरह से टेस्ट पॉइंट समझ लो। तो अब हम इसको चार्जर में लगाएंगे, और चार्जर में लगाकर यहाँ पर आप चार्जर के पॉइंट देखिए, देखो जैसे मैंने चार्जर में लगाया 0.10 हो गया, फिर से देखो तो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर यूएसबी चार्जिंग में आपका एम्पियर फ्लक्चुएट होता है तो ये आपको शॉर्टिंग के निशान बताता है, किसका बताता है, शॉर्ट, क्योंकि कुछ भी चीज जब शॉर्ट होती है ना तो वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है, ये एम्पियर को फ्लक्चुएट कर रही है, ये बता रहा है कि बोर्ड में शॉर्ट है यहाँ पर, तो 0.10 ये देखो बैटरी लगाने के बाद फिर से चेक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाना, कुछ भी नहीं ले रहा है, पहले इतना ले रहा था, पॉइंट लिया था, लिया होगा, मैंने देखा नहीं, चलिए ठीक है। अब तो हम इससे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, एक अंदाजा मारेंगे, हमेशा ध्यान रखना इससे अंदाजा लगता है, परफेक्शन कभी नहीं। अब हमें सबसे पहले डीसी मशीन को जोड़ेंगे, नहीं मुझे से प्लस माइनस चाहिए। अब देखो हम गए सैमसंग का हमें मॉडल नंबर जानना है, तो इसका मॉडल नंबर इसी की पीसीबी के ऊपर लिखा होगा, ये है 305F, तो हम इस मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग एड करेंगे, और ये M है तो हम M सीरीज में जाएंगे, 305, तो ये 305 है, हम इसका हार्डवेयर में ऑन ऑफ की पर जाएंगे, ऑन ऑफ की, ताकि हमें इसका कंपोनेंट पता चले कि भाई हमें पावर की दवानी किधर है, ताकि हम इसका डीसी का देखे रीडिंग क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हम डायरेक्ट आईसी पे काम करेंगे मजा नहीं, हमें सब समझना है, हम यहाँ समझने आए, तो देखो ये लगा हुआ है कनेक्टर, और अगर ये मान लो कनेक्टर टूट भी गया तो हम इस कंपोनेंट को टच कर सकते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर ये हमारा लगा है कनेक्टर और ये हमारे कंपोनेंट है, तो अगर हम यहाँ पर भी खाली एक ट्यूजर लगा दें इसको ग्राउंड कर तो भी हमारा पावर के स्विच हो जाएगा, हमें कनेक्टर को जरूरत नहीं है, ये हमारा बेसिकली कनेक्टर हो रखा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर सबसे पहले इसका टिकर देखेंगे, टिकी करते हैं, तो अनिल इसका ग्राउंड का देते सर लोग ध्यान देना, तो मैंने प्लस को लगा लिया इधर, अब मैं इसकी टिकर करूंगा, ये टिकर मैं कैसे कर रहा हूँ ये मैं आपको आने वाली क्लास में सिखाऊंगा। अब ये ऑन करेंगे इसको, तो अभी हमारे को ये समझ में आ रहा है कि बोर्ड में शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको ग्राउंड के साथ टेकर करें तो ये देखो ये हो रहा है ना ग्राउंड के साथ, इसका मतलब हमारा ग्राउंड कनेक्टेड है, तो ये हमने प्लस लगाया। अब हम
यहाँ पर इन कंपोनेंट को ही टच कर लेते हैं ये रजिस्टर के ऊपर, तो हमारी अब आप लोग डीसी की रीडिंग देखना। तो अब हम देखें तो देखो डीसी की हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर? हेलो नो सर, डीसी पर हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही है यहाँ पर। तो अगर मैं ट्विजर लगा के भी दिखाऊं, चलो वो नहीं लगा, तो ट्विजर लगा लेते हैं। तो डीसी पर हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है, मतलब इसको कहेंगे हम नो बूट। क्या कहेंगे जल्दी बताओ? नो बूट। हाँ नो बूट को थोड़ा पढ़े क्या, फिर अपन जाएंगे आगे। देखो जब कल अपन ने एक डीसी रीडिंग देखी थी और आज अपन एक और डीसी रीडिंग देख रहे हैं। कल अपन ने एक डीसी रीडिंग देखी थी, 25 आया था। कितना आया था? 25। अपने देखा था भाई 3-0 होते हैं, देखा जाए तो 3-0 होते हैं। कल हमने 25 देखा था, कल हमारी आई थी 0.25 मिली एम्पियर। हेलो यस सर, मिली एम्पियर इतना आया था, जिसमें हमने पाया कि हमारा बताइए एशिया टेलीकॉम बोलता है कि चौथे दिन सीपीयू है ना सीपीयू, तो किसके कौन कौन लगा के बैठा है यहाँ पर? सभी लगा के बैठे। बेसिकली पावर तो एक्टिव हो रहा था बेसिकली, पर हमारा क्या एक्टिव नहीं हो रहा था? अब ये रीडिंग नहीं है, अब रीडिंग हमारे को है। ये हमारा होता है ऐसा रीडिंग आफ्टर पावर की, हमें रीडिंग यही मिल रही है। इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं नो बूट। बोलो नो बूट। नो बूट या आपका नो बूट पर है। इसको नो बूट क्यों कहा गया है? क्योंकि कोई भी बूटिंग नहीं ले रहा। अब इसमें हमें उधर से क्यों नहीं ले रहा है? पावर एक्टिव नहीं हो रहा है, पावर एक्टिव नहीं हो रहा है, पावर एक्टिव नहीं हो रहा है। तो हम इसका पावर आईसी चेक करेंगे। इसके मैं आपको यहाँ पे बहुत मोटा मोटा बता रहा हूँ, मैं आपको क्लास के अंदर वो डिटेल दूंगा जो आपने कभी सोची नहीं होगी कि काला हमको जिंदगी में भी कोई यूट्यूब या कहीं से भी या छोटा मोटा 10-20-30 हज़ार वाला इंस्टीट्यूट भेज सकता है, वो ये आपको डिटेल दूंगा पावर के साथ। अभी मैं मोटा डिटेल दूंगा, पावर अभी वो डिटेल दूंगा जो यूट्यूब में है कहीं ना कहीं। पावर को एक्टिव करने के लिए कौन सी सप्लाई जा रही है? तो हम ये पावर के पहले कैपेसिटर पे चेक करेंगे 3.4 से 3.6 या 4.2, कोई सभी एक वोल्टेज हमें चाहिए। अगर ये हमें चार्जर लगा कर मिल जाए तो हम ये बोलेंगे कि हमारा चार्जिंग आईसी क्या है फिलहाल, ओके ठीक है। ये पहला चीज हम ये चेक करेंगे। फिर पावर के पास में जो बक कॉइल है क्या है जल्दी बताओ? जितने भी, क्योंकि ये सैमसंग का फोन है। किसका फोन है? सैमसंग का। अब अगर सैमसंग ने खुद का सीपीयू लगाया हुआ है एक्सीनॉक्स, अगर खुद का सीपीयू लगाया है सैमसंग ने, तो हमेशा ध्यान रखना अगर 8 कॉइल है तो 8 में वोल्टेज बनेगा, अगर 11 कॉइल है तो 11 में वोल्टेज बनेगा, और 20 कॉइल है तो 20 पर वोल्टेज बनेगा। हेलो यस सर। तो मतलब हमें सब पर वोल्टेज चाहिए, सब पर वोल्टेज चाहिए, सिर्फ 3 वोल्टेज हमें अलग से अलग अपने खुद के चाहिए जो हम चाहते हैं कि वो ही आए, बाकी सारे वोल्टेज आएंगे 0.7 0.7, ये कोल्ड वोल्टेज है, कोई मॉडर्न हो जाता है, कोई कुछ भी। बाकी हमारे को एक चाहिए 2.0, बोलो 2.0 VS1 VS1, एक चाहिए 1.3 1.3 VS2 VS2, और एक चाहिए 1.1 1.1 VDD2, बोलो VDD2। बाकी सारे वोल्टेज हमारे कैसे आएंगे? 0.7 0.7 0.7। 2.0 मिनिमम 1.9 तक जाएगा। हेलो यस सर। 1.3 1.2 तक जाएगा। यस सर। 1.1 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? क्योंकि जनरली सिर्फ चार्जर लगा रहे हैं, बैटरी नहीं लगा रहे, क्योंकि जब बैटरी चार्जर दोनों लगाते हैं तो ये अपना पूरा कंसप्शन लेते हैं, तो इसलिए ये भी समझना है। तो पहले अपन इन दोनों चीजों को चेक करते हैं, क्या बोलो क्या हमारा फोन, हमारा फोन, पहली बात तो हमें ये समझ में आ रही है कि पावर ऑन हो रहा नहीं है। सबसे पहले हमें चेक करना है कौन सी एसी, तो हम पावर की कौन सी लाइन में चेक करने के, पहला ये चेक करते हैं। अगर VPH नहीं बना तो हम किस आईसी पे काम करेंगे, वो चेक कर लेते हैं। फिर हम उसके बाद में हम चेक करेंगे बक का आउटपुट, मतलब पावर का आउटपुट क्या चेक करेंगे, बक। अगर ये बक नहीं बना तो हम किस पे काम करेंगे? ये हम दो पहले चेक कर लेंगे। देखो भाई चार्जर लगाएंगे खाली, कुछ नहीं लगाएंगे, ना डिस्प्ले लगाएंगे ना कुछ लगाएंगे, ठीक है? डिस्प्ले लगा सकते हो,
मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वैसे झूल रहा है, अगर जल्दी तक टच हो गया तो डिस्प्ले चला जाएगा, तो या तो लगा लो या तो अलग से कहीं टेप टेप मार लो। चार्जर लगाएंगे, चार्जर दूसरा। अब नहीं टाइप से, अब तो चार्जर लगा दिया। अब सबसे पहले देखेंगे साहब हमारा 5 वोल्टेज बनना चाहिए। फिलहाल हम बोर्नियो से देखते हैं, पर मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आप बोर्नियो कभी नहीं खोलोगे, आप बोर्नियो खोलोगे उसकी गलती पकड़ लोगे। पर अभी आप दूसरे दिन में हो इसलिए, क्योंकि आपने तो सर बता दिया यहाँ है पर हमें कैसा पता चलेगा, तो फिलहाल हम बोर्नियो को देख लेते हैं। देखो तो अब हमने इसके चार्जर के डाटा को खोला है, क्यों? क्योंकि ये नो बूट बना रहा है। नो बूट मतलब पावर को एक्टिव नहीं कर रहा है। पावर एक्टिव कैसे नहीं होगा? या तो पावर को इनपुट नहीं आ रहा होगा और या पावर आउटपुट नहीं बना रहा होगा। दो चीज, इनपुट आ रहा है तो आउटपुट नहीं बना रहा होगा, और जब इनपुट ही नहीं आ रहा तो इनपुट चेक करेंगे। सो देखो यहाँ से 5 वोल्ट चलना चाहिए, ये 5 वोल्ट यहाँ से होते हुए इस कॉइल पर निकल के यहाँ, सबसे पहले यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करेंगे और यहाँ पर आपका VPH बनता है इस कॉइल पर जो इस कैपेसिटर पर मिलेगा, तो ये हमारा चार्जिंग का आउटपुट रहेगा। तो पहले इस कॉइल पे 5 वोल्ट जो हम यहाँ, ये इस पे OVPIC है, यहाँ नहीं आया तो इस पे काम करेंगे, यहाँ नहीं आया तो नीचे काम करेंगे, यहाँ पर आया और यहाँ पर वोल्टेज बने तो इस IC पे काम करेंगे। देखो देखते हैं भाई, अरे अनिल जरा DSO चालू करो। अब हमें DSO का भी यूज करेंगे इसमें जितना यूज कर सकते हैं। तो देखो भाई हमने इस तरह ग्राउंड कर दिया, इस कॉइल का देख रहे डाले तो अरे इससे बोल लगा रहे भाई मीटर में वायर लगा। DSO भी चालू कर दिया, हम DSO क्यों चालू करें? क्योंकि इसे वोल्टेज से हम कंफर्मेशन तो दे देंगे कि चार्जिंग ओके है। फिर बता तो को यहाँ पर हमने ग्राउंड रख रहे हैं, अब यहाँ पर हम कॉइल पर टच कर रहे हैं। तो देखो जैसे हमने कॉइल पर टच किया कितने वोल्टेज मिले? एडमिन वहां तक की लाइन हमारी। अब हमें इसका आउटपुट इस कॉइल पर चेक करना है जो कि VPH बनना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग से बन रहा है, बैटरी नहीं लगा रहे अपन। बैटरी लगाते तो तब भी बन जाता, इसलिए बैटरी नहीं लगा रहे। अब जो बनेगा वो इस ICC स्विचिंग से बनेगा, स्विचिंग। तो स्विचिंग होगा तो बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा, तुम देखेंगे। तो यहाँ वोल्टेज बन रहे हैं ना यहाँ पर, इसका मतलब ये IC हमारी क्या है। बट क्या हम टाइम को नहीं देख सकते, हम हवा को नहीं देख सकते? इवन यू कांट सी दिस लाइट, आपको लग रहा होगा ये लाइट जल रही है, नहीं, ये लाइट बंद हो रही है, जल बंद जल बंद इतनी तेजी से हो रही है कि हम उसको नंगी आंखों से देख नहीं सकते। जैसे ट्रेन की स्पीड, ट्रेन के पहियों को कभी आप घूमते हुए देख पाओगे क्या? नहीं सर। वो हमेशा ऐसा देखेंगे जैसे रुके हुए हैं। हेलो यस सर। वैसा ही यहाँ वोल्टेज तो दिख रहा है, पर वो स्विचिंग की फ्रिक्वेंसी कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी DSO से। किससे? DSO। अब हो सकता है कि वोल्टेज बना रही हो तो भी IC खराब हो, तो इसलिए DSO बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं एडवांस रिपेयरिंग। हेलो, हर तीन महीने के बाद में आप सभी को DSO परचेस करना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, हम इंस्टीट्यूट वैसा नहीं है कि जाते साथ ही आपने टूल खरीद लिए, चलाना आ नहीं रहा, इसलिए 3 महीने पहले प्रैक्टिस फिर DSO। तो DSO की वायर लेंगे, कैलिब्रेट कर दो, चलो उसके बाद DSO में आ गए, हो गया कैलिब्रेट। अब अपन इस DSO की वायर को इस कॉइल पर टच करेंगे, तो कैसा है? स्विचिंग केवल एक ही ओर होनी चाहिए, दूसरी ओर नहीं। तो एक ओर इसकी जो लाइन है ये बिल्कुल फ्लैट आनी चाहिए, एकदम ये समझो डैड लाइन। दूसरी ओर इसकी लाइन पर पल्स बनने चाहिए। देखो अगर एक और डैड है और दूसरी ओर पल्स है, दैट मीन ये IC एकदम ओके। हेलो यस सर। यू कैन से इन 3 सेकंड, यू कैन चेक इन 3 सेकंड बाय दिस DSO, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, कि भाई तुम्हारा IC ओके है कि नहीं ओके है DSO का। देखो भाई, तो हमने क्या किया, DSO में वायर होते हैं दो, एक ग्राउंड और एक आपका टेस्टिंग। तो टेस्टिंग ग्राउंड वाले को ग्राउंड में टच कर दिया, टेस्टिंग वाले को टच करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लगाया, पहले यहाँ लगाते हैं। देखो जैसे ही यहाँ लगाया बिल्कुल फ्लैट आया, पर वो ऊपर चला गया क्योंकि वो वोल्टेज बताना चाह रहा है और वो वोल्टेज 4.5 मैक्सिमम पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। पर जैसे ही यहाँ लगाया एक फ्रिक्वेंसी आई। अब इसको अगर हम ऑटो में दबाएंगे, दबाओ ऑटो, मैनुअल भी कर सकते हैं,
अब इसको दबाओ और दबाओ, इसे दबाओ। ठीक है, ये देखो ये हमारी फ्रिक्वेंसी आ रही है, इसका मतलब हमारी आईसी 100% क्या कर रही है, दैट मीन चार्जिंग आईसी पे काम करना। हेलो, ये चीज थोड़ी बहुत किस किस को समझ में आई, हल्की फुल्की आई ना? सेकंड डे मैं कभी नहीं बोलूंगा कि पूरा ये, क्योंकि सब पूरा समझान है। अब इतना हो गया, अब हम ये चेक करते हैं इस कैपेसिटर पे हमें यही वोल्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि ये वोल्टेज यहाँ से होते इस कैपेसिटर से होते हुए इस आईसी के अंदर जा रहे हैं, जो कि इस आईसी का इनपुट है। तो अब इस वोल्टेज को चेक नहीं चालू कर, तो 4.3 मिल रहा है और यहां पर भी देखेंगे मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा आईसी का इनपुट एकदम ओके। अब हमने दूसरा चेक करेंगे इस आईसी के बक कॉइल, क्या चेक करेंगे बताओ? देखो मैंने क्या बताया था, तो कितने कॉइलों पर वोल्टेज आना चाहिए? मतलब टोटल कॉइल कितनी है, गिन लेंगे एक बार टोटल कॉइल कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल 9 की 9 पे क्या बनने चाहिए? अच्छा अब ये भी देखें कितने, तो एक वोल्टेज हमें चाहिए हायर, पहले बोलते हैं हायर एलडीओ, 1.9, 2, दूसरा हमें चाहिए लोअर एलडीओ, VS2, 1.3, 1.4, 1.2, कुछ भी आएगा इसमें से, और तीसरा चाहिए रैम का एक वोल्टेज बनता है सैमसंग के अंदर, क्योंकि डुअल डेकर है, आएगा, बाकी सारा वोल्टेज 0.7 में आएगा। तो देखो, तो साथ में हर कॉइल की स्विचिंग चेक करेंगे। चलो भाई देखो ये वाले कॉइल में देखो 1.1 बिल्कुल रैम का हो सकता है, ये आपका 0.7 है, ये आपका सीपीयू का कोर होगा 0.8 है, 0.8 है, 0.8 है, 0.8 है, 0.8 है, 1.3 लोअर एलडीओ और 2 हायर, तीनों मिल गए भाई। हेलो, यस सर, लोअर हायर और ये, बट एक चीज नोटिस करो, थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जल्दी बताओ? हेलो, यस सर, आ तो रहे हैं पर क्या कर रहे हैं? हाँ, अप डाउन, बोलो अप डाउन, आओ अप डाउन की कहानी पढ़े थोड़ी, क्या करना है? क्योंकि अगर हम उसके कहने पर सीधे वो आईसी में काम कर लिए तो हम दूसरा साइड कभी नहीं बना पाएंगे, पर अगर हम सर्किट समझ के काम किए तो हम ऐसे 10,000 साइड बना लेते। हेलो, यस सर, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होता है वोल्टेज अगर क्या अप डाउन हो रहा है, चलिए बताओ बक क्या वोल्टेज क्या हो रहे हैं? तो बक वोल्टेज अप डाउन की थ्योरी मैं पूरी नहीं बताऊंगा आज क्लास के अंदर, अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अपन आज वो मोटा मोटा कर देख रहे हैं। तो भैया पहली चीज तो फोन के अंदर क्या होगी, इसलिए अप डाउन होंगे अगर नहीं हुई शॉर्टिंग, तो दूसरी चीज दिमाग में रखना, पहली चीज क्लॉक लाइन, कौन सी लाइन चली होती है? अगर पावर को बोलो, अगर पावर को क्लॉक सप्लाई नहीं मिलती है, वो अपने सारे बक को क्या कर देगा? और ये क्लॉक सप्लाई पावर को भी मिलनी चाहिए और किसको मिलनी चाहिए? ये कॉलकम में भी होता है, जैसे क्रिस्टल एक्सो, क्रिस्टल कॉलकम के अंदर अगर क्रिस्टल वीसीओ हटा दो तो फोन डेड हो जाएगा और सारे वोल्टेज फ्लक्चुएट हो जाएंगे, क्योंकि क्रिस्टल क्लॉक फ्रीक्वेंसी बता रहा है 19 मेगाहर्ट्ज, वैसे ही सैमसंग में, तो इसलिए वो तो आईसी 2P है, वो क्लॉक आईसी है, कौन सी आईसी है? इसलिए वो सारे वोल्टेज को क्या कर रही है? क्योंकि अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम के साथ देखो, मतलब कहने का मतलब है उसके अंदर खुल गया वो सैमसंग L305 का थोड़ा टेस्ट। अब देखो यहाँ पर हम डायग्राम खोलते हैं, देखो पहले यहां से
प्लान, पहले देखते हैं इसी मॉडल का कोई डायग्राम है कि नहीं। Need you to fight, इसमें तो कुछ भी नहीं। ये प्रतिमा फिर से हेलो yes, अपन एक दूसरा साइड लेते हैं, जैसे मैंने बोला ए सीरीज, ए 50 को ही देखकर सारे साइड बने हैं। देखा जाए तो ए 50 को पढ़ लिया तो सारे साइड पढ़ लिए। ये हमेशा बोलता हूँ, ए 50 के अंदर सब कुछ है, क्योंकि डायोड रीडिंग, बिट मैप, हार्डवेयर, ये वो, स्मार्ट, सब जो जो किसी 5G के बोर्ड में नहीं है वो ए 50 में है। इसलिए ए 50 के बोर्ड को पहले पढ़ो। तो पहले इसका हार्डवेयर खोलेंगे और कॉम्प्रेंडिंग खोलेंगे। जान दो, देखो इसके अंदर ये आईसी ये लगी है यहाँ पर, ये लंबी सी ए 50 के अंदर। अगर मैं यहाँ पर किसी फोन के अंदर आपको ये आईसी यहाँ दिखाऊं, क्योंकि हम आईसी को बदल भी सकते हैं और थोड़ा सा समझने का आईसी में काम भी कर सकते हैं। ये देखो, ये एक दूसरा मॉडल है। तो अगर हम इस पर बात करें, ये हमें ए 50 है, हमें आईसी यहाँ लगी है, जब इसका पता निकाल तो इसके आईसी इसके अंदर देखेंगे, इसके पत्र के अंदर। अब ये आईसी क्या काम कर रही है? तो ये आईसी क्लॉक आईसी है। अगर देखो हमने कॉम्पोनेंट नेम खोला, सब आईसीओ की डिटेल ली है, उस आईसी को नहीं बता रहे। ये होता है यूट्यूब वालों, जो तुम देख रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है कि ये सब तो पता है। नहीं पता है, तुम सिर्फ चिल्ड्रन जानते हो, तुम सिर्फ वो जानते हो जो हाथों में है। तुम जेबों में क्या है, अंदर क्या है, कौन सी कितनी पॉकेट है, वो नहीं जानते हो। तुम चोर भी नहीं बन सकते हो सही मायने में, सही अच्छे। तुम्हें जो आदमी खाली बेस्केट लेके दिख रहा था वो ही छिनाओगे बस, अंदर का माल कभी नहीं उठा पाओगे। अंदर हीरा रखा है, तो हीरा जानो, अंदर का पॉकेट जानो, जिस भी फील्ड में हो उसमें सुप्रीम बनो, बापू बनो। तो ये क्रीम आईसी है। अंदर की आईसी होगा क्या, ये क्या है अभी ये नहीं पता। अब ये ढूंढ करेंगे गूगल में, यूट्यूब में, नहीं पता चलेगा वापस। यही होगी जिंदगी में यूट्यूब में कहानी। तो देखो यहाँ पर, ये देखो ये आईसी आपको दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है लंबी सी आईसी। yes, ये होती है क्लॉक आईसी। कौन सी आईसी होती है? क्लॉक आईसी। अपन इस क्लॉक आईसी को डिजाइन करते हैं। आओ अपन पूरा इसका नक्शा बनाते हैं, इसको समझेंगे। देखो गए आप इस आईसी को क्लिक किए, इस आईसी, ये यूनिवर्सल आईसी होती है। कौन सी होती है बताइए? यूनिवर्सल आईसी। ये यूनिवर्सल आईसी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नक्शा बनाते हैं। तो पहले हम ये समझ लें इसमें कितने होल्स हैं। तो A1 हो गया, B हो गया, C हो गया, D और दो दो करके हो गए, तो A B C D। तो अब इसके होल्स बनाएंगे। तो सीन कैसा है, ये मोस्ट कट पॉइंट हो गया A1 A2 B1 A2, और इसको हम कौन सी आई सी बोलेंगे जल्दी बताइए? सैमसंग की क्लॉक आई सी। ये फोन, ये आई सी किस क्या काम करे, कैसे काम करें, अब इसको समझिए। ठीक है, ये आपको कैसे बनाया ये मैं कल आपको आपसे बनवाऊंगा, बहुत वो भी CPU। ये अब इस आई सी के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इनपुट बीबैक A1 पे हमारे को बीबैक आ रहा है। ठीक है, 4 वोल्टेज की लाइन, तो हम ये डाल देंगे। तो भैया हमें यहाँ पर 4 वोल्टेज इस आईसी को चलने के लिए, तो ये हमें जैसी चार्जर लगाएंगे तो यहाँ पर हमें कैपेसिटर मिलेगा, यहाँ पर हमें 4 वोल्टेज मिलना चाहिए। नहीं तो हम आईसी को निकालेंगे और साइड का 4 वोल्टेज देखेंगे। अगर ये 4 वोल्टेज आईसी को नहीं मिलता है तो भी ये हमारे आईसी काम करना बंद कर देंगे। हेलो यस सर, बहुत ईमानदारी से खड़े हो गया बेटा, तू इधर खड़े हो, देखो भूख लग रही है, जा खाने का जा, तो इधर खड़े हो जाए, ऐसा हिल मत डुल मत, ठीक है, ऐसा खड़े रहो जैसे क्लास में, तुम पंचायत में नहीं बैठे हो, दोस्त यार घर में नहीं बैठे हो, क्या सीखने आए? अबे अगर ये वोल्टेज सिलेक्ट किया ऐसे काम करेगा क्या? ये हो गया इसके इनपुट वोल्टेज। बोलो इनपुट वोल्टेज क्या हो गया जल्दी बताओ? इनपुट वोल्टेज। हां जी, तो ये चेक करेंगे हम इस आईसी में। भाई आईसी को काटने क्या देखेंगे, अब आईसी को और डिजाइन करें। अब इसको चाहिए ग्राउंड, तो इसके अंदर एक ही ग्राउंड है D1, क्या है बताइए? D1। और एक और ग्राउंड बनाया है क्लॉक रिक्वेस्ट 2, तो हम दो ग्राउंड बनाएंगे D1 और C2। तो D1 ग्राउंड करेंगे और C2 ग्राउंड करेंगे।
ईवन पर हम ग्राउंड ही लिखेंगे, सीपीयू पर हम क्लॉक रिक्वेस्ट लिखेंगे, ये ग्राउंड रखेंगे। D2 को है NC, और D2 को NC बनाएंगे, D emit, ठीक है, हाँ, तो D1 है ग्राउंड, D2 को है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको बनाएंगे ग्राउंड, और ये हमारा NC, तो इतना क्लियर है आप लोगों को, हेलो, सर, ये लाइन क्या है हमारी, ग्राउंड, ये लाइन क्या है हमारी, ग्राउंड, ये क्या है हमारी, NC, मतलब ये उखड़ भी जाए तो कोई मतलब की नहीं है, ना आईसी में ना बोर्ड पे, बोलो ना आईसी में ना बोर्ड पे, ये नहीं कि आईसी में इम्पोर्टेंट है, आईसी भी उखाड़ दो उखड़ तो भी कोई नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे क्या इनपुट आ रहा है, सभी ध्यान दो, इसके अंदर इनपुट आ रहा है मास्टर क्लॉक इन, बोलो मास्टर क्लॉक इन, फ्रीक्वेंसी, पहले क्या हो रहा है, पहले के सैमसंग के मोबाइल में जो डुअल स्पीकर नहीं होते थे, क्रिस्टल अपना डायरेक्ट लगा होता था 4 लैक का, ये 4 लैक है, ठीक है, अब इसके अंदर ये हमारा आउट है, इसके अंदर ये हमारा इसमें इन है, ये दो पैड हम देखेंगे, ये दो पैड में भी ग्राउंड है, हम देखते हैं क्या, ये दो पैड ग्राउंड है, ठीक है, ये VCC हो गया, इसको हम VCC भी बोल सकते हैं, VCC मतलब वोल्टेज, और ये दो पैड ग्राउंड, ये दो पैड ग्राउंड सैमसंग में, और ये क्रिस्टल होता था 26 मेगाहर्ट्ज़ का, तो 68, और VCC को कौन से वोल्टेज मिल रहा है, तो ये भी पता करेंगे कि क्रिस्टल को ऑन होने के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, तो ये है वोल्टेज RF सेक्शन, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कंपनसेट क्रिस्टल आउटपुट 1.8, तो ये 1.8 पावर के एनजीओ से मिल रहे हैं, तो ये आपको पावर ही दे रहा है एक तरीके से, क्योंकि पावर ऑन हो रहा है पर सारा सब कुछ क्या कर रहा है, हाँ जी, तो VC तो इसको हम बोलेंगे पावर कैपेसिटर कंपनसेट, तो उसको फिर से बोल लेते हैं, बहुत बड़ा नाम है, VRF TCXO, तो TCXO बहुत सारे टीचर ही नहीं बोल पाते हैं, गूगल करेंगे तो बोलेंगे करना ही नहीं चाहते, VRF वोल्टेज डे टू फ्रिक्वेंसी टेम्परेचर कंपनसेट क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, ये वोल्टेज 1.8 वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है बताइए, अगर ये वोल्टेज नहीं मिला तो भी आपके सारे वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ये काम ही नहीं करेगा, इसको वोल्टेज चाहिए सर, तो ये वोल्टेज कहां से आ रहा है पूरे तरीके से देखते हैं भाई, तो ये पावर के एनजीओ से ही आता है, ये देखो, तो ये ट्रांस रिसीवर पे भी, ट्रांस रिसीवर से आ रहा है भाई, ये पावर के एनजीओ से आ रहा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है पावर का एनजीओ VLDO, और ये PMIC से 1.8, और ये इसको चेंज करके, इसकी कोडिंग चेंज करके यहाँ पर इसके अंदर 150 मिली एम्पीयर का लोड है, ठीक है, और ये इसके साथ RFIC के अंदर भी जा रहा है। अब ये वाला लाइन भी मिस हो जाएगा तो भी हमारा सारा लाइन क्या हो जाएगा, बिल्कुल, अब देखो तो ये आउट बनकर इधर जा रहा है A2 में, और इधर जा रहा है मास्टर क्लॉक इन, मतलब 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इन हो रही है, ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्किट बन रहा है, पहले ये डायरेक्ट पावर के साथ लगा होता था, अब इन्होंने क्लॉक ऐसी लगा दी है, अब देखो अब इसके बाद क्या है, ये देखो आउट हो रहा है, इधर जा रहा है मास्टर क्लॉक, और यहाँ से भी देखो तो ये फिर से यहाँ से वायर कैपेसिटर ये RFIC के अंदर VCTCXO वोल्टेज कंट्रोल टेम्परेचर कंपनसेट क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, अब ये जा रहा मास्टर क्लॉक में, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे ये IC को निकालना पड़ेगा क्योंकि टूटी हुई है, C1 पर हमें GR चाहिए, क्योंकि C1 का GR इधर से आ रहा है, ये होना बहुत जरूरी है, C1 उखड़ गया तो बट दिक्कत में आ जाएगी, फिर हमें एक जम्पर यहाँ से लेना पड़ेगा VCO से, अब इसके बाद में अब इसका जो आउटपुट निकल रहा है, अब ध्यान दो क्लॉक आउट A2 से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, A2 से, दो जगह जा रहा है, एक जगह जा रहा है CPU के अंदर, देख रहे हैं यहाँ पर, और एक WiFi IC के अंदर, तो भाई ध्यान दो, तो हाँ दोस्तों, अगर आपका टीचर आपसे बात नहीं कर रहा है या आपका संदेश का जवाब नहीं दे रहा है तो मुझे लगता है ये संदेश आपको सुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक इंस्टीट्यूट चलाना एक अलग बात है बट अपने साथ लोगों को सपोर्ट करना एक अलग बात है, और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, संदेश सुनिए, ये आप लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज,
मैं एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट हूँ। 28 दिसंबर बैच 2022 का, मुझे लगभग 2 साल होने वाले हैं। मैं अपनी पर्सनल लैब में हूँ अभी, और अभी रात का समय जो हुआ है वो समथिंग हो चुका है 3:20, जो कि मैं अपनी लैब में बैठा हूँ। मेरा सर्टिफिकेट है, ये मेरा सर्टिफिकेट है 28 दिसंबर बैच। सबसे पहले मैं अपनी आप लैब दिखाता हूँ, मैं अपना पूरा लैब दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा पूरा लैब है, ये मेरा छोटा सा सेटअप लगा रखा है मैंने। आज हमारे पास है Redmi का Note 7 Pro, जो कि एक अजीब प्रॉब्लम है। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेट को क्या है कि जब भी रिस्टार्ट करते हैं तो वो 30 सेकंड के समथिंग इसमें नेटवर्क आएंगे, सब कुछ होगा, और 30 सेकंड बाद ये नो सर्विस में चला जाएगा सेट। तो देखिए मैं इसको चेक करवाता हूँ आपको। देखिए अभी इसमें सिम भी नहीं आ रहा है और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। ये नो सर्विस पे आया, जियो पे आ गया, और अभी ये नेटवर्क चला जाएगा। ये वोल्टी भी आ गया, और अभी देखो इसमें एक एरर आएगा थोड़ी ही देर में। A2 तो A2 से निकल रहा है, जब मैंने फिर से गलत बनाया है मुझे बताओ, अभी हो सकता है देखो। तो ये C1 में जाता है, तो ये गलत बना है, तो ये यहाँ पर A2 में एंटर कर रहा है, तो ये A2 में एंटर कर रहा है, और इसको हम कहेंगे मास्टर क्लॉक, ठीक है। और ये A2 से आउटपुट जा रहा है, तो यहाँ पे भी गलत बना C1। तो मैं जल्दी करता हूँ, ध्यान रखना, मैं जब इतना स्टेबल होने के बाद गलती करता हूँ तो गलती तुमसे भी होगी, ये गलती कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ओके। हम ह्यूमन है, यहाँ से जाएगा इधर जाके इधर एंटर करेगा C1 मास्टर क्लॉक इन, और A2 से निकलेगा आउटपुट, और ये आउटपुट निकलेगा दो जगह, एक निकलेगा AP मतलब CPU, और एक निकलेगा Wi-Fi और ब्लूटूथ आई सी, और ये इसको हम कहेंगे क्लॉक आउट। क्या कहेंगे जल्दी बताओ, मतलब यहाँ पर हमारे को टोटल कितनी मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी बन रही है, और यहाँ से हमें कितनी मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी निकालनी है। अब बचा ये दो पैक B1 B2 को भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो B1 और B2, B1 है एक LDO, मतलब ये एक LDO का कैपेसिटर है, जिस पर वोल्टेज आने से हमें पता चलेगा B1 एक कैपेसिटर बाहर है, और VLDO अगर इस पर हमें कुछ 0.8 से 3 वोल्टेज के बीच में आएंगे तो हम ये बोलेंगे ये क्लॉक IC के नंबर है। हेलो यस सर, आउटपुट तब बनाएंगे तभी पूरी तरीके से ऑन हो जाएगी, पर इसका कोई मतलब ही नहीं है। और क्लॉक रिफ्लेक्स, अब इस IC को इनेबल करने के लिए एक TC100EN सिग्नल दिया जा रहा है, तो इस IC का इनेबल पॉइंट है, अगर ये इसको इनेबल पॉइंट नहीं मिलेगा तो भी IC काम नहीं करेगी। तो कहने का मतलब है क्लॉक रिक्वेस्ट TC100 कौन दे रहा है, आओ देखे जरा। तो TC100 CPU दे रहा है, कौन दे रहा है जरा बताओ, CPU। हाँ जी, और ये TC100EN CPU के साथ पावर में भी जा रहा है, CPU में भी जा रहा है, दोनों जगह पर जा रहा है। तो ये हमारा क्लॉक REQ, तो ये बनाएंगे, और ये हमारा B2 है, देख ले पैनल, और ये हमारा B2, तो ये हमारा B2 में बनाएंगे, और ये हमारा क्लॉक REQ, और ये हमारा दो जगह से आ रहा है, एक जगह हमारा इधर से आ रहा है CPU, और एक और कहाँ जा रहा है PL। तो इस तरीके से ये IC वर्क करती है। अब अगर ये IC जरूरत है, बोलो, तो हमें ये सारा डाटा चाहिए इस IC के अंदर। हेलो, पर हम इस IC को बाईपास कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5G के अंदर जो क्लॉक IC आई है, जो मैं आपको आगे अपडेट में बताऊंगा, उसको बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या कर रही है, 26 मेगाहर्ट्ज को 26 मेगाहर्ट्ज में ही भेज रही है। हेलो यस सर, मतलब इधर से आ रहा है, इधर कैबिन जंपड़ मार दे, तो अब हमारा ये क्लॉक आउटपुट जो इधर देना था वो इधर ना देकर इधर दे देगा, इधर हमको केवल इन दो को ये 26 मेगाहर्ट्ज पहुंचाना है। हेलो यस सर, अगर IC लगाएंगे तो हमारे को इसका क्लॉक रिफ्रेश भी चाहिए, बोलो यस सर, क्या चाहिए, और हमारे को इस पर कितने वोल्टेज चाहिए, 4, मतलब हमारे को इसको 4 भी चाहिए, क्लॉक रिफ्रेश भी चाहिए, और ये दो ये आपके ग्राउंड होने चाहिए, बेसिकली ये दो आपके ग्राउंड होने चाहिए, ये और दो, और ये NC होना चाहिए, और इस पर आपका ये इन होना चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप ऐसे IC को निकालकर आप A2 से, बोलो A2 से
C1 पर क्या मार है, क्या मार है जल्दी बताओ। बाईपास। बाईपास। अगर हम उसको करके देखें कि होता है कि नहीं। इसी प्लेट का है तो इस आईसी को हम आरएन से भी निकाल सकते हैं, पर आरएन से निकालने में पैड वैड भी निकल सकते हैं, तो इसे आरएन से भी निकालेंगे। पैड निकलने का डर है क्योंकि वैसे ही थोड़ी सी टूटी हुई है। और ग्लास आईसी, अगर ये ग्लास नहीं होती ना तो आरएन से ही निकाल देंगे, छोटी सी आईसी तो थोड़ा सा अपन को इसको हीट दे के निकालना पड़ेगा। अब हम आ रहे हैं, तो ये चालू करो, चालू। अब हम देखेंगे अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसका नोज कट पॉइंट कौन सा है। तो ध्यान देना, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमारा एनसी है। क्या है बताओ? एनसी। बताओ एनसी का पैड नंबर क्या है? एनसी का D2। D2 बोलो। D2 तो बोलो, ये D1 है। तो अब हमें कौन कौन से इस पे जंपर मारना है जल्दी बताओ। बोलो। तो ये C2 हो गया हमारा। हेलो, ये हो गया C2, ये हो गया C1, ये हो गया C2, और अब हमें कहाँ मारना है? A1। A1 नहीं, तो हमारे पास कुछ अगर मिलता है तो हम डाल लेते हैं। देखिए, जैसे हम इसका बिटमैप खोलते हैं A50 का, समझ लेंगे क्योंकि हमें ये तो पता चल गया है कि ये A1 है। A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 तो हमें मारना है C2 से C1 से A2। तो C1 ये है और A2 ये है, मतलब हमें दोनों को क्या मारना है? जंपर। एक पूरा लेआउट और भी देखते हैं, तो अपन एक बार तब तक ये खुलता है तब तक GR भी देखते हैं। अगर वो नहीं खुला कोई दिक्कत नहीं, GR पे डालो साहब। तो GR आना चाहिए, ये A1 है। यहाँ पर 4 वोल्टेज मिलेंगे चार्जर लगाकर, कितने वोल्टेज मिलेंगे? 4। ये आपका B1 है। B1 और B1 आपका वहां पर क्या बता रहा हूँ मैं, B1 बताइए, B1 क्या बता रहा हूँ? VDD-LDO। ये खाली देखो, इस कैपेसिटर के साथ में पैरेलल है। हेलो, इस पे 4 वोल्टेज, इस कैपेसिटर का, इस IC का आउटपुट है इस तरह से, और ये हो गया। देखो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे, देखो GR आ रहा है ना यहाँ पर, और ये आ रहा है हमारा A2, यहाँ पर भी GR आ रहा है ना। इन दो पर हम क्या मारते हैं? बताओ जंपर। तो हमारी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो C1 पे आ रही है। किधर आ रही है? C1 और निकल कहाँ से रही है? A2 से। चलो देखो, लोग 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 लोग
इतना कंपर हमारे लिए काफी है, ये मैंने बाहर इसलिए निकाला है, अभी प्योर बात की बात है, मन में आ रहा है मेरी बात? अभी हमने अपनी फ्रिक्वेंसी को जोड़ दिया है, मतलब जो आईसी क्या कर रही थी कि वो मास्टर क्लॉक से लेकर क्लॉक रिक्वेस्ट आउटपुट पे बना रही थी, हमने दोनों के तारों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। अगर बोलो इनपुट 26 मेगाहर्ट्ज़ है और आउटपुट 19 या कुछ और होता, हेलो, तो क्या नहीं लगता? क्योंकि हमें उतना ही फ्रिक्वेंसी देनी है, पर यहाँ पर तो फ्रिक्वेंसी एक ही है ना भाई मेरे, हेलो। चलो इसको चेक करेंगे, अब ये जम्पर को हम चेक करेंगे, बोर्ड में लगाएंगे, ये देखा ऊपर का, तो हम ये भी देखेंगे, आ गया, हेलो। मतलब हमारे क्लॉक आईजी को हम बाईपास कर सकते हैं, हेलो, किस किस को समझ में आए पॉइंट? अभी आईसी आएगी तो एक बार में बाईपास होगी कि नहीं, इसके लिए डायग्राम की जरूरत पड़ेगी क्या? चलिए अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, अच्छा काम करना है। अपने जीवन का लक्ष्य बना लो कि यार सही जगह जाना है। अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, आईफोन चलाते हो ना, बड़ा महंगा मोबाइल, वीवो का भी मोबाइल है तो भी 50-60 हजार का, तो फिर इंस्टीट्यूट क्यों 10-20 हजार का, एजुकेशन क्यों इतनी लो, इतनी पुअर जहाँ बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो यार एक बार सीनियर से पढ़ो, एक बार उन टेक्नीशियन से, उन टीचरों से पढ़ो जिन्होंने इनको पढ़ाया है। तो आ जाओ, मौका दे रहा हूँ मैं इज टेलीकॉम का, 28 अक्टूबर की स्पेशल बैच सीपी कंपटीशन खेलेंगे, माइक्रोस्कोप जीतेंगे, 4G 5G का एंड्रॉइड अपडेटेड कोर्स लेके जाएंगे, आईफोन का 6 से लेकर 14 प्रो मैक्स का कोर्स लेके जाएंगे, प्लस सारे टीचरों का नंबर लेकर जाएंगे। यहाँ हम टीचर ऐसे नहीं है, बहुत प्रीमियम, हम कोई बड़ा कुमावा की औलाद नहीं है, हम आपके साथ बात करेंगे और 2030 में भी आपको फ्री में अपडेट देंगे। हर 3 महीने के बाद हर महीने 2 दिन की अपडेटेड क्लासेस फ्री रहेंगी। इसे टेलीकॉम में आने का आपका रास्ता खुला रहेगा। आप एसर टेलीकॉम के अपने नाना नानी का घर समझ लेना, ध्यान देना, एसर टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000730712192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक। तो हमारे साथ है 28 सितंबर की बैच, और आज हमारा तीसरा दिन है, कौन सा दिन है? तीसरा दिन है और मेरे साथ स्टूडेंट सारे लाइव है और उनके हाथों में कुछ है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके हाथ में क्या है भाई? मदरबोर्ड है, सबके पास आन मदरबोर्ड है, क्या करने वाले हैं आप? लाइव फोन से पावर आईसी। तो भाई ये प्रोसेस कौन कौन कर लेगा? आप करेंगे? तो ये प्रोसेस आप क्या पहले से जानते थे? रात को प्रैक्टिस करी? सुबह प्रैक्टिस करी? अभी हमारा एग्जाम का टाइम है, कौन कौन रिजल्ट देगा? आप देंगे? एशिया टेलीकॉम बोलता है तीसरे दिन पावर आने पावर लगेगी कि नहीं लगेगी? 100%? 101%? 110%? चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो हमारे साथ है 28 अगस्त की बैच, आज कौन सा दिन है हमारा? तीसरा दिन। तीसरा दिन मतलब पावर, किस किसने डन किया? पावर डन सबने। तो भाई 10:30 बज रही है और हम क्या करके उठे हैं अभी? सीपीयू माउंट माउंट रिबाउंड किस किसने करा है? सबने किया है। तो चलिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कौन कौन है सीपी मास्टर? कौन कौन है सीपी मास्टर? कौन कौन है सीपी मास्टर?
चाहूंगा। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है वापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। आज तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है। तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं चलो मैं एक चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जी जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। तो ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और एमडी सर का और देव सर का। चलिए ठीक है। मेरा नाम सावन जामे, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके मेरे हाथ जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला है। मैं करने एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। देख रहे हो कि इसमें आईफोन प्लस 5G का कोर्स है, जो कि हमने पहले दिन आया था तो एंड्रॉइड सीख नहीं आए थे, लेकिन यहाँ मेरे आईफोन का कोर्स है वो भी गिफ्ट में सर। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम और थैंक यू करना चाहता हूँ देव सर। महाराष्ट्र से हूँ। ओके हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब मोबाइल रिपेयरिंग और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। ओके वेस्ट बंगाल से हूँ सर। सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था। ओके देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिलने के लिए और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम एमडी सर का बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद। क्लिपिंग हो जाए सर के लिए बहुत शुक्रिया। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से हाँ दोस्तों, मेरा देवदत्त अग्रवाल एशिया टेलीकॉम को फाउंडर। अगर आपको पढ़ना है एक ऐसी मोबाइल रिपेयरिंग एक गुरुकुल से जहाँ पे डिसिप्लिन हो, जहाँ पे आपको गारंटी मिले, जहाँ पे आप 30 से 14 दिन में आपने CPU EMMC पावर सब लगाकर बैठ गए हो, ताकि उसके बाद थ्योरी का मजा आए और थ्योरी के साथ भी आप डेली CPU लगाएं, ताकि आपको आपका हैंड स्किल बना रहे, क्योंकि हैंड स्किल नहीं होगा तो CPU का पैड जान के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जहाँ पे आपको डीप लेवल की थ्योरी मिले, जहाँ पे आपको वो सर्किट वो सोल्यूशन मिले जो आपको मार्केट में भी नहीं है, और सॉफ्टवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर से आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का ज्ञान मिले, और उसके अलावा मिले आपको EMMC जिसमें UFI पढ़ाया जाए, और JTAG जिसमें आपको लेटेस्ट जो IC है, जो CPU चेंजेस सब कुछ आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं एशिया टेलीकॉम। अगर आपको CPU मास्टर बनना है तो ज्वाइन करो मेरी इस महीने की 28 तारीख की क्लास, 25 तारीख तक आपको पहुंचना है यहाँ पर, तो आज ही कॉल करो, ये मौका ना चूकने दो। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000731192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक।